क्लास 10th रैपिड रिवीजन चैप्टर है हमारे पास में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। इस चैप्टर में बेसिकली आपको तीन ब्रॉड टॉपिक्स को समझना है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस हमारे जीवन का बहुत अभिन्न अंग होते हैं। हम कितने ही तरह से उनके ऊपर निर्भर होते हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो डिप्लीट हो रहे हैं। तो कंजर्वेशन के लिए क्या किया जाना चाहिए, सरकार ने अभी तक क्या क्या किया है, एक डायमेंशन चैप्टर का वो है। दूसरा डायमेंशन ये है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं तो इन फॉरेस्टर्स के टाइप्स कौन कौन से हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और तीसरी चीज कि हमेशा सरकार के जिम्मे ही सारी जिम्मेदारियां क्यों, हम लोगों ने, आप और हमने मिलके कम्युनिटी ने कंजर्वेशन में क्या किया है, कम्युनिटी कैसे कंजर्व कर सकती है, यही चैप्टर की रूपरेखा है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। खराब शुरू करते हैं बिना किसी। चैप्टर शुरू होता है सीधे तरीके से हमें आईना दिखाते हुए। हम ह्यूमन बीइंग्स जो इतनी चौड़ में घूमते हैं कि हम ही है जो है, तो एक चीज सीधी सी है कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स जो इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं उनमें एक ह्यूमन बीइंग्स भी है, और वो ह्यूमन बीइंग्स इंटरडिपेंडेंट है अपने आजू बाजू के पेड़ पौधे जीव जंतु के ऊपर। तो हम सब एक दूसरे से अलग है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस के थ्रू हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, एंड दिस इज वॉट इज बायोडाइवर्सिटी। इसी को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है इतनी एसेंशियल है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए कि हम उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और इसी कारण से हमें कभी कभी ये सोचना होगा, समझना होगा कि हमारी इस इनसेंसिटिविटी के कारण कहीं ये डिप्लीट ना हो जाए, और डिप्लीट हो भी रही है। नो गॉड प्लीज नो नो नो। और हकीकत ये है दोस्तों कि फ्लोरा एंड फौना की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो भी रही है, इसीलिए कंजर्वेशन वॉज द नीड ऑफ आर। बात तो सही है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया, क्या कदम उठाए गए ये हम सरकार के कंधे पे बैठकर देखेंगे, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स लिए गए। अब आपको चीजें समझना होगी कि ये जो वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन है ना, ये हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। लैंड, एयर, वाटर, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी ही तब बचेगी जब हम उन्हें कंजर्व करेंगे। तब सरकार के कान में बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट लोगों ने जाके चिल्लाया 1960s और 70s के समय पे, तब जाके 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास होता है। अब आपको एक क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर दोनों चीजें यहां मिल जाएंगी कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स लिए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो सबसे पहला इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास किया गया। एक लिस्ट ऑफ ऑल इंडिया प्रोटेक्टेड स्पीशीज निकाली गई, जिसके तहत कुछ स्पीशीज की पॉपुलेशन जो एंडेंजर्ड थी, जो डिक्लाइन हो रही थी, ऐसा ना हो पाताल में गिर जाए, तो उन पॉपुलेशन को गिरने से रोकने के लिए हंटिंग को बैन किया गया, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया, ये सारे कदम उठाए गए। साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, इस तरह के एस्टैब्लिशमेंट्स को स्थापित किया गया ताकि कुछ स्पीशीज को प्रोटेक्शन दिया जा सके। एक बड़ा जो मेजर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है तो स्पीशीज ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स भी चलाए गए। फॉर एग्जांपल वन हॉर्न राइनोसोरस हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, प्रोजेक्ट टाइगर जो आपने खूब ही सुना होगा, तो ऐसे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स चलाए गए। प्रोजेक्ट टाइगर जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट था टाइगर्स की घटती पॉपुलेशन को बचाने के लिए। 100 साल पहले 55,000 टाइगर्स हुआ करते थे, तब मूवी बनती टाइगर जिंदा है तो समझ में आता। बहुत तकलीफ हो रही भगवान। लेकिन 1973 जब यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया तब मात्र 1827 टाइगर्स थे हमारे देश में। टाइगर्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन क्यों हो रही थी, मगर क्यों, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, जैसे टाइगर्स की हंटिंग होना, उनकी स्किन का ट्रेड होना, बोन्स का ट्रेड किया जाता था फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, और कुछ टाइगर्स बॉलीवुड की तरफ भी चले गए थे। छोटी बच्ची हो क्या। जोक सपाट, अगर ये सारे कारणों को समझे और इन कारणों को देखते हुए जब प्रोजेक्ट टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम की तरह चलाया गया, बहुत सारे नेशनल पार्क एस्टैब्लिश किए गए, और उससे आपको टाइगर की ड्विंडलिंग पॉपुलेशन में एक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा भी कंजर्वेशन के लिए अब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अडॉप्ट किया जा रहा था। कंजर्वेशन प्रोग्राम में इंसेक्ट्स तक को इंक्लूड किया जा रहा था 1980 और 1986 के नोटिफिकेशन के थ्रू। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बटरफ्लाई, मोथ्स, ड्रैगन फ्लाई, इन सारे स्पीशीज को भी इंक्लूड किया गया। इनफैक्ट 1991 में ट्रीज की स्पीशीज को भी कंजर्वेशन लिस्ट में एड किया गया था। चैप्टर का दूसरा ब्रॉड टॉपिक है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। यहां आपको चीजों को समझना होगा कि इतने सारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को मैनेज करना है। अब मैनेज करने के लिए उनका क्लासिफिकेशन जरूरी है, तो सरकार ने
फॉरेस्ट को इस तरह से क्लासिफाई किया गया है कि कुछ फॉरेस्ट एरियाज को रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता है, मतलब जिन फॉरेस्ट में मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर है उनको रिजर्व कर दिया कि भाई साहब ये बहुत महंगे हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। दूसरा टाइप जो है आपको देखने को मिलता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को, जो ऑलरेडी डिप्लीट हो रहा है उन्हीं को तो प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, तो दूसरा फॉरेस्ट टाइप हो गया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का। तीसरा फॉरेस्ट टाइप है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला। तो कुल मिला के ये वैसे ही फॉरेस्ट थे विच आर ओपन टू पीपल, जो गवर्नमेंट और प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। अब अगर आप इन कैटेगरीज को देखेंगे ना, तो अगर आप रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों को मिला दोगे तो टुगेदर दीज फॉरेस्ट आर नोन एज परमानेंट फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश इज द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ परमानेंट फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश के टोटल फॉरेस्ट में से 75% फॉरेस्ट एरिया परमानेंट फॉरेस्ट एरिया की कैटेगरी में आता है। अब अगर आप देखेंगे तो स्टेट्स सच एज केरला, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, ये कुछ वैसे स्टेट्स हैं जहां पे मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर है, तो ये रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब जो डिप्लीट हो रहे हैं, तो पंजाब, हरियाणा, बिहार, जहां पे एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के चलते फॉरेस्ट एरिया वैसे ही डिक्लाइन हो रहा था, वहां पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का परसेंटेज ज्यादा है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जहां आप देख रहे हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है, जंगलों में ही रहना है, जंगलों में ही अब जीवन यापन करना है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो जंगल से बहुत जुड़े हुए लोग हैं वहां पे अनक्लास्ड फॉरेस्ट का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तीसरा प्रोमिनेंट टॉपिक है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। किस तरह से कम्युनिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है कंजर्वेशन प्रोग्राम में, तो उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वो समझने से पहले सैक्रेड ग्रूव्स का जो टॉपिक है वो समझिए। सैक्रेड ग्रूव्स को समझना है, सीधा सा एग्जांपल है कांतारा मूवी। आप सभी ने कांतारा मूवी देखी होगी, उसमें आपने ये देखा होगा कि कैसे कम्युनिटी जंगल को बचा रही है, उस जंगल की पूजा करती है। तो जब हम रिलीजियस क्वालिटीज एस्क्राइब कर देते हैं पेड़ पौधा नदी पहाड़ इन सभी चीजों को और उनको पूजने लगते हैं, तो जिसे पूजोगे उसे आप नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो दिस कल्चर इज नोन एज सैक्रेड ग्रूव्स। एग्जाम्पल के तौर पे मुंडाज और सांथाल्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू महुआ की पूजा करते हैं। बिहार में कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज जब शादियां होती है तब आम की और इमली के पेड़ की पूजा करते हैं। शादी करना बंद नहीं करेंगे, आम और इमली के पेड़ लगते रहेंगे। व्हाट एन आइडिया सर जी। आगे अगर जैसे देखोगे तो आपको देखने को मिलता है कि मंदिरों के आसपास बहुत सारे बंदर होते हैं, उन्हें लोग फीड करते हैं, खाना खिलाते हैं, नहीं भी खिलाओगे तो वो छुड़ा लेंगे आपसे। ये सारे एग्जांपल्स ये दर्शाते हैं कि किस तरह से सैक्रेड ग्रूव्स का कॉन्सेप्ट एक रियलिटी है और उससे कंजर्वेशन ऑटोमेटिकली होगा। एक और एग्जांपल, जैसे आप देखेंगे राजस्थान के आसपास बिश्नोई विलेजेस जो होते हैं वहां पे वो ब्लैक बक, इफ यू नो यू नो, ब्लैक बक, पीकॉक, इन सारे जानवरों को अपनी कम्युनिटी का एक इंटीग्रल पार्ट मानते हैं। कमिंग टू द कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन टॉपिक, कम्युनिटी के द्वारा क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, तो 4-5 एग्जांपल्स हैं। जैसे राजस्थान में जो सिरिस्का टाइगर रिजर्व है वहां पे आपको देखने को मिलता है कि साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वहां के लोगों ने माइनिंग को रुकवा दिया ताकि वहां का वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन डिस्टर्ब ना हो। राजस्थान में ही अलवर डिस्ट्रिक्ट में 1200 एकड़ जमीन को भैरवदेव धाकव सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया। इस 1200 हेक्टर जमीन को जब भैरवदेव धाकव सेंचुरी रिलीजियस क्वालिटी के साथ में एस्क्राइब कर दिया गया, तो उससे विलेजर्स ने गवर्नमेंट से बोल दिया कि आप जाके ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, हम हमारे सेट ऑफ रूल्स रखेंगे और कम्युनिटी कंजर्वेशन के थ्रू यहां के वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन का कंजर्वेशन इंश्योर कर लेंगे। उसी के ऊपर आप जैसे देखोगे तो चिपको मूवमेंट सिर्फ डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट एक मूवमेंट नहीं था, उसने इंडिजीनियस पेड़ों को बचा लिया। सिमिलरली फार्मर्स और कम्युनिटीज के द्वारा जैसे बीज बचाओ आंदोलन, नवदन्या जो एक एनजीओ है, इन्होंने ट्रेडिशनल सीड्स की वैरायटी को बचा लिया। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज वन ऑफ द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, जहां पे गवर्नमेंट अपने साथ लोकल कम्युनिटी को लेती है और दोनों मिलके जंगलों को बचाते हैं। जब आप मस्ती करने वाले व्यक्ति को ही मॉनिटर बना दोगे तो मस्ती कौन करेगा, बात तो सही है। सिमिलरली लोगों को कंजर्वेशन प्रोग्राम में जोड़ो तो फिर लोग नुकसान ही क्यों पहुंचाएंगे। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1988 में पहली बार ओडिशा के द्वारा स्टार्ट किया गया था और जिसके थ्रू सक्सेसफुली कम्युनिटी के मदद से कंजर्वेशन को इंश्योर किया गया था। सो दिस वॉज द होल चैप्टर, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। इसका फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।